नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक जानलेवा हमले में बाल बाल बचे हैं। एक रैली के दौरान हमलावर ने उनको निशाना बनाते हुए गोली चलाई जो उनके कान को छूते हुए निकल गई। गोली लगने के बाद वो वहीं गिर गए। सारी की सारी सुरक्षा धरी की धरी रह गई। ये रिपोर्ट देखिए। Take a look what happened. जुलाई 2024, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। अमेरिका के इतिहास में दर्ज हुई एक और तारीख। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला। अमेरिका के खूनी इतिहास में एक और तारीख दर्ज हो गई। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब अमेरिका अपनी आजादी की वर्षगांठ मना रहा था। Take a look what happened. महज 10 दिन बीते थे और पेंसिल्वेनिया में ऐसा हमला हुआ कि पूरा का पूरा अमेरिका थर्रा गया। Take a look what happened. सारी की सारी सुरक्षा धरी की धरी रह गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाई गईं। दुनिया की सबसे बेहतर सुरक्षा करने वाली एजेंसी मानी जाती है सीक्रेट सर्विस, और उसकी नाक के नीचे उसके सभी सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए एक 20 साल के शूटर ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के संभावित राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। Take a look what happened. सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर अपने गन लेकर सुरक्षा करते रह गए और अमेरिका के इतिहास में एक और खूनी तारीख दर्ज हो गई। डोनाल्ड ट्रंप 2007 से 2012 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं और वो इस बार भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी रैलियां कर रहे हैं। अपने चुनावी अभियान में वो पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर नाम की जगह पहुंचे थे जहां वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी गोलियां चली और वहां अफरा तफरी मच गई। ट्रंप को गोली लगी, वो वहीं गिर गए। सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने उनके आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया, लेकिन गोलियां चलती रहीं। Take a look what happened. वहां मौजूद एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर ने सब कुछ अपने लेंस के जरिए कैद किया है। सुनिए क्या हुआ था उस वक्त। So today I was photographing former President Trump at a campaign rally here in Butler, Pennsylvania. I was right in front of the stage, directly in front of the stage. It was a normal rally. You know, I've done it hundreds of times. And over my left shoulder, I heard several pops, and I knew immediately it was gunfire. So I looked at the stage and I saw the Secret Service agents rushing to President Trump. From that moment, I ran to the stage and I started photographing the agents on top of them. And then off to my right, I saw the Secret Service counter assault team arrive. And then I ran to the other side of the stage and they picked President Trump up. And then as he's walking down the ramp, he started fist bumping to the crowd and waving. And I did notice he had blood coming down his face, as you can see in the photos. The agents took him down the ramp and they put him into an SUV. And again, as he was getting into the SUV, he also started pumping his fist again. हमलावर को मार गिराया गया, लेकिन उससे पहले हुई फायरिंग में रैली में मौजूद एक आदमी की मौत हो गई, दो लोग जख्मी हो गए। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के दाहिने कान पर गोली लगी थी, वो जख्मी हुए थे, लेकिन वो बाल बाल बच गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन इस मामले की जाँच को FBI ने टेक ओवर कर लिया है और कहा है कि ये हत्या का प्रयास है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को जान से मारने की कोशिश की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में संभावित उम्मीदवार को जान से मारने की कोशिश की गई है। What we're calling an assassination attempt against our former president Donald Trump. It's still an active crime scene. As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely
with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well. अमेरिका में हुई यह घटना पिछले दो दशकों में सबसे बड़ी घटना है। पूर्व राष्ट्रपति को पूरी सुरक्षा के बीच जान से मारने की कोशिश हुई है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपने नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया। पीएम मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं। एक्स पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन पार हो चुकी है। मोदी के नाम रिकॉर्ड दर्ज। मोदी के नाम दुनिया का एक और बड़ा रिकॉर्ड। पीएम मोदी के फॉलोवर्स 100 मिलियन के पार। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपने नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कराया है। पीएम मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बनकर उभरे हैं। एक्स पर उनके फॉलोवर्स की संख्या 100 मिलियन को पार कर गई है। देश के अलग अलग भारतीय राजनेताओं के सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग की तुलना करें तो सोशल मीडिया फॉलोवर्स के मामले में पीएम मोदी काफी आगे हैं। एक्स पर पीएम मोदी के फॉलोवर्स की संख्या 100 मिलियन के पार कर गई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक्स पर 26.4 मिलियन फॉलोवर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 27.5 मिलियन, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के 19.9 मिलियन फॉलोवर हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के 7.4 मिलियन फॉलोवर हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 6.3 मिलियन फॉलोवर हैं। वहीं तेजस्वी यादव के 5.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जबकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के 2.9 मिलियन फॉलोवर्स हैं। देश ही नहीं, विश्व स्तर पर भी पीएम मोदी के दूर दूर भी कोई नहीं है। विश्व स्तर पर बात करें तो पीएम मोदी विश्व के बड़े नेताओं से भी काफी आगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के 38.1 मिलियन फॉलोवर हैं। दुबई के वर्तमान शासक एच शेख मोहम्मद के 11.2 मिलियन, रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस के 18.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं। एक्स पर पीएम मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए विश्व के नेता सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से जुड़ने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि उनके साथ जुड़ने से उनके फॉलोवर्स, एंगेजमेंट, व्यू और रिपोस्ट में काफी बढ़ोतरी होती है। हाल ही में इटली और ऑस्ट्रिया में भी ऐसा देखा गया। देश के सुशील प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक्स पर फॉलोवर्स की संख्या 100 मिलियन पार कर गई है। इससे प्रदर्शित होता है मोदी जी की लोकप्रियता भारत में ही नहीं पूरे विश्व में राजनेताओं की श्रृंखला में सर्वाधिक है। उसका कारण है कि जिस तरीके से 10 साल भारत में प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने आम जन की बातों को सुना है, गरीबों तक योजनाओं को पहुंचाया है, उससे देश सबल हुआ है। पीएम मोदी की लोकप्रियता में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यहाँ तक कि एक्स पर पीएम मोदी कई सेलिब्रिटीज से भी ज्यादा फॉलो किए जाते हैं। पीएम मोदी ने साल 2009 में ज्वाइन किया था, तभी से वो लगातार ट्वीट और रीट्वीट करते आ रहे हैं। सिर्फ एक्स पर ही नहीं, पीएम मोदी दूसरे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पीएम मोदी से जुड़े रहते हैं। पिछले 3 साल में पीएम मोदी के 30 मिलियन फॉलोअर बढ़े हैं और एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले वर्ल्ड लीडर बन गए हैं। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ओडिशा के ऐतिहासिक जगन्नाथपुरी में 46 साल बाद रत्न भंडार खोला गया। इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर दिखाई दी। का जगन्नाथ मंदिर आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक है। 12वीं शताब्दी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। पिछले 46 सालों से मंदिर का रत्न भंडार नहीं खोला था, जिसे अब खोला गया है।
कहा जाता है कि इसी रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के गहने रखे गए हैं। ऐसी मान्यता है कि कई राजाओं और भक्तों ने भगवान को आभूषण चढ़ाए थे। उन सभी को रत्न भंडार में रखा जाता है। रत्न भंडार में मौजूद जेवरात की कीमत बेशकीमती बताई जाती है। अधिकारियों ने बताया कि आभूषणों, मूल्यवान वस्तुओं की सूची बनाने और भंडार गृह की मरम्मत करने के लिए रत्न भंडार को खोला गया है। खजाना खोलने से पहले प्रशासन ने लकड़ी के 6 भारी संदूक मंगाए। एक संदूक उठाने के लिए 8 से 10 लोगों को लगना पड़ा। इन्हें रत्न भंडार गृह में भेजा गया। रत्न भंडार को खोलते समय 11 लोग मौजूद थे, जिसमें उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक भी शामिल थे। इस दौरान मंदिर के बाहर हाई लेवल की सिक्योरिटी भी थी। मंदिर प्रबंधन समिति ने बताया कि इससे पहले रत्न भंडार साल 1905, 1926 और 1978 में खोला गया था और बेशकीमती चीजों की लिस्ट बनाई गई थी। साल 1978 के बाद से मंदिर के पास कितनी संपत्ति आई है, इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। हाल ही में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रत्न भंडार का भी मुद्दा उठा था। बीजेपी ने वादा किया था कि ओडिशा में सरकार बनती है तो खजाना खोला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अमरवाड़ा का अखाड़ा जीतने के बाद बीजेपी के निशाने पर जीतू पटवारी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। कार्यकारिणी बनाने में हो रही देरी पर बीजेपी ने तंज कसा, तो इधर कांग्रेस अमरवाड़ा में हुई जीत के अंतर को अपनी जीत बता रही है, ये भी कि जल्द ही नई टीम मैदान में होगी। बीजेपी ने पहले कमलनाथ के गढ़ में सेंधमारी की, छिंदवाड़ा सीट को अपने नाम करके लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया। 29 सीट बीजेपी के खाते में गईं। अमरवाड़ा सीट पर हुए उपचुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी थी, यहां भी बाजी कमल ने ही मारी। प्रदेश में कांग्रेस की ये 30वीं हार, इस हार के बाद बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का नेतृत्व, हार पर बीजेपी का तंज कि जीतू पटवारी को ना तो 29 सीट पर उम्मीदवार मिले, ना ही पार्टी के पास कार्यकर्ता बचे। कांग्रेस पार्टी जहां बड़े बड़े नेता पार्टी में पद पाने के लिए, टिकट पाने के लिए कतारों में लगते थे, आज जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि ना कांग्रेस पार्टी को 29 लोकसभा क्षेत्रों पर उम्मीदवार मिल पाए, ना कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता बचे, और यहां तक कि जनता द्वारा पूरी तरह नकारा जा रहा है। कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कमलेश शाह ने अमरवाड़ा सीट के उपचुनाव में बाजी मारी। अभी हाल ही में रामनिवास रावत को केंद्र में मंत्री बनाया गया। इधर बीजेपी अब तक कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बनने पर भी तंज कस रही है। कांग्रेस पार्टी 8 महीने से कार्यकारिणी तक नहीं बना पा रही है। कार्यकारिणी तक के लिए नेता नहीं मिल रहे हैं, जिला अध्यक्ष बनने के लिए नेता तैयार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह सफाई की स्थिति है। मध्य प्रदेश पूरी तरह कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह समाप्त हो गई है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के इस निशाने पर भी निशाना साध रही है। अमरवाड़ा सीट पर हुई जीत पर भी सवाल खड़े कर रही है, मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूर्ण मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी अमरवाड़ा में हुआ उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव आपके सामने, जहां पर कमलेश शाह कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 6 माह पहले 25,000 वोटों से जीते थे। अब वही कमलेश शाह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पूरी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और कलेक्टर और प्रशासन के भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करने के बावजूद भी बमुश्किल 3,000 वोटों से जीत पाए।
कांग्रेस का सवाल ये कि जीत का अंतर महज 3,000 है, जबकि कमलेश शाह कांग्रेस के टिकट पर 2023 में 25,000 वोट से चुनाव जीते थे। कार्यकारिणी जल्द बनने की बात भी की जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात है, निश्चित रूप से अभी आने वाले समय में नई मध्य प्रदेश की कांग्रेस की कमेटी जल्दी घोषित होने वाली है, जिसमें नए ऊर्जावान कार्यकर्ता और नेता आएंगे, जो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में एक एक मंडल ब्लॉक पर जाकर कार्यकर्ताओं को जागृत करेंगे, बूस्टअप करेंगे और जिसके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आपको नजर आए। लोकसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव की जंग, कांग्रेस ने देश में 10 साल बाद अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस कमाल नहीं कर पाई। आखिर क्यों हर मोर्चे पर कांग्रेस को शिकस्त मिल रही है? इन सब के बीच बीजेपी के मजबूत संगठन से लड़ना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। भोपाल में वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इंदौर ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में 11 लाख पौधे रोपकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। क्लीन सिटी इंदौर अब ग्रीन सिटी बनने के अभियान में जुट चुकी है। पीएम मोदी ने पत्र लिखकर अभियान की तारीफ की है। गृहमंत्री अमित शाह अभियान में शामिल होने के लिए खुद इंदौर पहुंचे और इसी दौरान गृहमंत्री ने इंदौर और सीएम मोहन यादव की खूब तारीफ की। इंदौर स्मार्ट सिटी तो बन ही गया था, मेट्रो सिटी भी बना, क्लीन सिटी भी बना, मॉडर्न एजुकेशन का हब भी बना और अब इंदौर ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाएगा, इसका हम सबको आनंद। इंदौर पर गृह मंत्री अमित शाह का ये भरोसा यूं ही नहीं है। जरा ये तस्वीरें देखिए, खुशी से झूमता इंदौर। कैलाश विजयवर्गीय भी खुद को जश्न मनाने से रोक नहीं पाए। इंदौर ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्लीन सिटी इंदौर अब ग्रीन सिटी बनने की राह पर चल पड़ा है और इसकी शुरुआत इस अंदाज में की है कि पूरी दुनिया में इंदौर का डंका बज रहा है। इंदौर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस अभियान में खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। गृह मंत्री ने पितरेश्वर हनुमान धाम में पौधारोपण किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर की जमकर तारीफ की। इंदौर स्मार्ट सिटी तो बन ही गया था, मेट्रो सिटी भी बना, क्लीन सिटी भी बना, मॉडर्न एजुकेशन का हब भी बना और अब इंदौर ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाएगा, इसका हम सबको आनंद। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की सभी 29 सीटें जिताने के लिए एमपी का आभार भी जताया। जनता को हृदय से दो हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, इससे हम सब जानते हैं, देश सुरक्षित बनेगा, देश समृद्ध बनेगा, देश आधुनिक बनेगा और पूरे विश्व के अंदर हर क्षेत्र में देश नंबर 1 बनेगा। मगर इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो कुछ राज्यों में से एक मेरा मध्य प्रदेश है, जिसके 29 की 29 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ भी की। मोहन जी के जीतने के बाद मध्य प्रदेश में कई सारे विकास की शुरुआत हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो या आर्थिक स्थिरता लानी। अभी अभी मोहन जी ने 3,65,000 करोड़ का बजट रखा, जो अब तक का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। पौधारोपण अभियान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी खुशी जताई। बोले, इंदौर जो करता है अलग हटकर करता है, शहर की पूरे देश में पहचान है। सीएम ने कहा कि प्रदेश भर में पौधारोपण का अभियान चल रहा है। इंदौर जो करता है अलग हटके ही करता है, इसी के कारण से इंदौर की अपनी पूरे देश में एक विशेष पहचान है। हमारी मालवा से जो प्रमुख नदियां निकलती है, चंबल जिसकी विशालता आगरा के पास तक जाकर के वो एक अलग रूप में जाती, वो हमारे इंदौर से निकलती,
पवित्र मां शिप्रा वो इंदौर से निकलती, गंभीर सहित ऐसी 7 नदियां इंदौर से निकलती है। ऐसे में इंदौर में नगर निगम और राज्य शासन के द्वारा जो हमने लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो स्वप्न देखा है, एक पेड़ मां के नाम, तो अब एक अभियान चल गया पूरे प्रदेश के अंदर। गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री ने छात्रों को शुभकामनाएं दी, कहा नई शिक्षा नीति से छात्रों को फायदा मिलेगा। उन्होंने एमपी में नई शिक्षा नीति की शुरुआत पर खुशी भी जाहिर की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।